स्टूडेंट वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 3 हूं पतंग हूं पर पिल्लू, ये इससे एक पोयम है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं। पतंग माने बटरफ्लाई। आंगड़ी अदर्शना पर माने आंगड़ी माने उंगली फिंगर, आंगड़ी अदर्श माने टच करना। तो बटरफ्लाई को अपनी उंगली नहीं से नहीं टच करना। नर्यू नाजुक छे ए नानो, मीठू अने मजानो। नर्यू नाजुक छे माने एकदम डेलिकेटेड। बटरफ्लाई को आपने देखा है कितना कलरफुल, उसकी विंग कितनी सॉफ्ट, एकदम छोटी सी मस्त सा होता है ना बटरफ्लाई। तो वो बोल रहे हैं उसको टच नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो नर्यू नाजुक माने एकदम डेलिकेटेड अने मीठू मजानो, बहुत स्वीट है। अडवा जाशो ना ललचा, अडवा जाशो ना ललचा पतंग याने वाली बोड़ी चेशी आँख। अब क्या बोल रहे हैं उसको, उसके कलर्स, उसकी सुंदरता, उसको देख के आप ललचा मत जाना। किस चीज में ललचा मत जाना? उसको टच करने में, उसको टच करने में। अडवा जाशो ना ललचा, ललचा माने वो लालच नहीं आ जाना। कितना सुंदर है, उसको पकड़ लो पर उसको टच नहीं करना। भली बोली छे एशियाया, अभी क्या बोल रहे, एकदम डेलिकेट है, एकदम सुंदर है, उसको देख के उसको पकड़ने के लिए ललचा नहीं जाना। बोली बोली उसकी छोटी सी आईज है। रंग रंग रूपाड़ी पाख, विंग माने पाख। रंग रंग रूपाड़ी, रंग रंग माने अलग अलग कलर की, रंग रंग रूपाड़ी छे पाख। रूड़ा रंग की छाट दी छवाई, और भगवान ने बटरफ्लाई इतने सुंदर बनाए अलग अलग कलर के, और उसके अंदर इतने अलग अलग कलर भरे, इतने अलग अलग डिजाइन से कलर भरे। ऐसा नहीं कि सारा एक ही कलर था, उसके अंदर कहीं ब्लू है, कहीं पर्पल है, कहीं रेड है, कहीं ऑरेंज कलर है। तो माने वो अलग अलग कलर का उसके विंग्स बनाए। तो रुडा रंगों ने छाट है, छाट माने छाटे, डॉट डॉट किया ना, जो अलग अलग डिजाइन बने केवी छवाई पता नहीं। माने उसके विंग में जो अलग अलग भगवान ने डिजाइन बनाई है वो कितनी सुंदर है। फूलों के फूले परी परी है, फूलों के फूले माने फूलों से वो और बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई फूलों से रस चूसते, तो उससे ही वो जीता रह सकते ना। तो फूलों के फूले, फूले माने बढ़ते हैं, फूले माने अपन पापा मम्मी अपन को आशीर्वाद देते, फले फूले रहे ऐसे आशीर्वाद देते। तो वो क्या, फूले माने ऐसे मोटे नहीं हो जाना, फूले माने जीवित रहना, सही रहना ऐसे। तो फूलों की फूले फरी फरी माने फूलों तो घूम घूम के उससे रस चूस चूस के वो तंदुरुस्त रहे। फरी फरी बैठो जो ने जरा खरी में भी, आपने देखा होगा बटरफ्लाई कभी एक जगह पे ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं। एक फ्लावर में थोड़ा सा रस चूसेगा फिर वहां से उठ जाएगा, दूसरे फ्लावर में बैठेगा थोड़ा सा रस चूसेगा उड़ जाएगा। तो बैठो छे जोने जरा ठरी ठरी ने माने थोड़ी देर शांति से बैठा है, कभी देखा है थोड़ी देर शांति से बैठा हुआ? जोया करो धराए धराए पतंगिया ने। अभी क्या बोल रहे, कभी उसको बैठा हुआ देखो ना तो आराम से देख देख के खुश हो जाना। इतने सुंदर बटरफ्लाई है, देखो यहाँ पिक्चर भी है, यहाँ क्या दिया है, एक बटरफ्लाई दिया, उसी पिक्चर का दूसरा एक पार्ट दिया है, उसमें आपको आधा ड्रो करना है। तो ये सुंदर सी पोयम है, फिर से मैं रीड कर एक बार। पतंगिया ने आंगड़ी अदर्शना भाई, पतंगिया ने आंगड़ी अदर्शना भाई। नरू नाजू छे ए नानो, मिठड़ू मिठड़ू ने मजानो। अडवा जशोना ललचा है माने उसको देख के ललचा नहीं जाना। भली बोली छे उसकी आईज। रंग रंग रूपाड़ी पाख, रूड़ा रंगों ने छाट के भी छवाई पतंगिया ने। भगवान ने अलग अलग कलर कैसे डाले, फूलों के फूले फलने फलने, फूलों से वो जीता रहे उससे ही वो बढ़ते हैं। बैठू जोने जरा खड़े में, कभी देखा है बैठा हुआ आराम से आज 10-15 मिनट एक फ्लावर पे? कभी नहीं। जोड़ा करो धराए धराए पतंगिया ने, पर उसको टच करना। धराए धराए के माने मन भर के, धराए धराए के माने मन भर के, उसको देखते रहो मन भर के कि कितना सुंदर।
जाना नहीं। वो पोयम मैंने आपको एक्सप्लेन करी। उसके बाद पेज नंबर 38 पे अमी अमी बलवन में थे फरी रहा फरकी रहा हमें पंखी ने आकार थे मर की रहा। माने खुद की बात करें तो ये किसकी बात करें, खुद की बात करें। देखिए हमें बलवन का पान थे फरकी रहा हमें पंखी ने आकार थे मर की रहा। वनवन में पान थे फरकी रहा, वनवन माने जंगल, जंगल में पत्ते बन के फर की रहे हैं, फर की माने लहरा है, हम पत्ते बन के हैं, पत्ते बन के हर जंगल के ट्री में लहरा रहे हैं। पंखी ना गान थे मर की रहे हैं, मर की माने मुस्कान, किसने मुस्कान रही पंखी ना गान माने बर्ड्स जो गान गाना गाते जो आवाज निकालते हमें बहुत मधुर लगती है, जो सुन के मजा आता है, वैसा होके हम हंस रहे खुश हो रहे। दरिया का वाहन है महारी रहे, वाहन माने बोट। देखो यहाँ पिक्चर दिया है, वाहन माने बोट, तो वाहन थे हमें महारी रहे, महारी रहे माने तैर रहे, वाहन बन के हम तैर रहे आगे आगे जा रहे, हमें उड़ता पतंग जाने जा रहे हैं, माने हम पत्ते भी हैं, बर्ड्स की आवाज भी है, हम बोट के साथ बह भी रहे हैं और दरिया पतंगिया बनने जा रहे हैं। ऐसा सब हम बन के बटरफ्लाई को भी हम कर रहे हैं, हमें दरिया थे आपने पंपाड़ी गया। आपने देखा ना समुद्र कैसे होता है, ऐसे जाके नीचे यहाँ समुद्र के तट पे हम खड़े रहते और नीचे की साइड सामने की साइड देखते तो हमें क्या दिखाई देता, ऐसा लगता है जैसे स्काई आकाश झुक के दरिया से मिल गया है। दरियो थे आपने पंपा ही रहे हैं, माने ये सेंटेंस यहाँ क्यों दिया है, जहाँ समुद्र और आकाश समुद्र के तट पे हम खड़े रह के आकाश को देखे तो हमें ऐसा दिखेगा कि जैसे आकाश और समुद्र एक हो गए, वहां मिल रहे हैं, ऐसे एक्चुअल में ऐसा होता नहीं पर दूर से आपको ऐसा फील होता है। तो उस चीज को इस जगह को क्या बोलते हैं, वो बन रहे हैं उस जगह को, वहां जाके समुद्र और आकाश जहाँ मिल रहे हैं उस क्षितिज कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं क्षितिज, वो जो जहाँ मिल रहे हैं वो उसमें दरिया समुद्र को पंपा रहे हैं, माने दरिया मोजे ऊंचे ऊंचे पे बादल को स्काई को बहला रहे हैं, मजा कर रहे हैं, हाथ घुमा रहे उसके ऊपर, हमें कारला उगाड़ मारे थे, कारला माने स्टार, कारला माने स्टार, तो हमें कारला उगाड़ना मारे थे, तो स्काई में जो स्टार है ना उसको उगा रहे, स्टार कभी उगते नहीं, स्टार को ऑलरेडी है, ये क्या बोल रहे हम ऐसे बने कि स्टार को उगा, स्टार ही मालिक के जैसे हम उसको उगाए, बादल से दो बार बरसी रहेगा, अब स्काई में बादल बन के हम बरस रहे हैं, बादल बन के हम बरस रहे हैं, दिन्ना करता बादल तरसी रहेगा। बच्चे छोटे होते तो दिन्ना मस्ती करते ना एक दूसरे को मारा कुटी खेलते ना, तो उसके लिए हम तरस रहे हैं, हमें रजा होने तंबू ने डेरा करिया, रजा होना तंबू ने डेरा करिया, छुट्टी के दिन बच्चे क्या करते मम्मी की साड़ी लेके टेंट बनाते या चादर लेके टेंट बनाते, तो हम दिंगा मस्ती करने के लिए तरस रहे हैं और छुट्टी के दिन टेंट बना के खेल रहे हैं, हमें शखला आगे चिपटावा देगा, हमें दिंगा तूफान मारे तरसी रह गया, हमें रजा होना तंबू ने डेरा किया, माने दिंगा मस्ती एक दूसरे को मारा कुटी करते ना बच्चे वैसा करने के लिए तरस रहे और रजा होना तंबू ने डेरा करा, छुट्टियों के दिन डेरा तंबू बना के तंबू माने टेंट बना के खेल रहे, हमें शंखला ने चिमला में पैदा किया, शंखला और चिमला जो समुद्र के तट पे मिलते हैं ना बाइक पर उसको इकट्ठे करे, हमें पहाड़ में टेकरियो घूमी रहेगा, हमें पहाड़ और टेकरी, टेकरी और पहाड़ में क्या डिफरेंस है, पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, टेकरी छोटी सी जो हम चल के इजीली पार कर सकते, घूमी रहेगा, घूमी रहेगा माने घूम रहे, एक्सलो हमारी जे जुमी रहेगा। ये पोयम लिखी है सुरेश दलाल ने, और ये क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं कि हम
पत्तों को देख के, सबको देख के अपने आप को फील कर रहे हैं और खुश हैं। तो हम अलग अलग जगह पे जाके घूम रहे हैं, माने हम अलग अलग बढ़ रहे हैं। ये दोनों पोयम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आपको ये दोनों पोयम एक बार वापस टेक्स्ट बुक में से अच्छे से रीड करनी है, ठीक है। थैंक यू।